नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम बी के न्यूज चैनल सच का साथ। इस खबर खन्ना पंजाब से आ रही। आम आदमी पार्टी को संबोधित करने के लिए खन्ना के जीटी मार्केट में पहुंचने वाले हैं भगवंत मान। प्राइम बी के न्यूज चैनल के लिए रंजना शाही, श्री फतेहगढ़ साहिब। जवान ते एक ही गल है कि कुछ भी हो जाए, इस बार असी दोए रवायती पार्टियां तो पंजाब का खेड़ा छुड़वाना है और छुड़वा के इस बार आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार रखे। बीजेपी की सरकार है जी सेंटर की, वह कहें पंजाब के मजबूत तो स्थिर सरकार देनी है। की कहोगे उन्होंने कैंडीडेट जो? देखो गल इदा है, बीजेपी के जेडे जिन्हें भी नेता पंजाब आए, जिमें हूँ नितिन गडकरी जी आए, नितिन गडकरी जी ने कोई लोकल गल नहीं की किसी मुद्दे को लैके, कोई गलिया की कोई सीवरेज की गल नहीं। आ जोड़ा एक पुल का मिट्टी का ठोस पुल वाला सी, एडा बड़ा वो लॉलीपॉप दे के गए ने। वो कहते जी पहला तो ये बाहर बार मैं एक बाईपास कढ़ूंगा, कोरीडोर कढ़ांगे जी इन, उतो बाद फिर इस पुल की गल करांगे। मैं ये पूछना बई खन्ना तो पहला इग्नोर किया जा रहा है, खन्ने तो पहला नहीं किसी का ध्यान। पहली गल तो यह जुमला है, ये होना ही है नहीं, क्योंकि जेडे जेडे बीजेपी के शासन वाले प्रदेश ने, जिमें हरियाणे च बीजेपी का राज है, हरियाणे च किन्ने क शहरों चो इन्होंने बाईपास कढ़े ने, दसन तो जरा ये सारी ट्रैफिक का पानीपत च जाम लगता थले पुलों के थले, वो तो एलीवेटेड पुल तो जमें खन्ने जमें पानीपत च, पर थले की गल करो कि कोरीडोर कढ़िया उन्होंने। ये सब गल्लां ने कि कोरीडोर कढ़ांगे, क्योंकि अगे बिल्कुल सिर दे उत्ते वोटां चुनाव दिख रहे ने, उस करके जुमले ने। दूजी गल कोरीडोर दे, मान लो एक एक % चांस मान लो भी कोरीडोर निकल गया, खन्ने फिर किसी ने बढ़न की करना ने? खन्ना तो जमें ही डेड हो जूगा, खत्म हो जूगा। खन्ने तो पहला नहीं है तरजीह देंगे, जे लोग बार बार दी खन्ने बाईपास करके निकलन लग गए, कोई खन्ने च आया ही ना, फिर खन्ने की डिवेलपमेंट तो जमें ही रुक जूगी। फिर किने मिट्टी का ठोस पुल है जिहड़ा, क्योंकि हुण तो साडा असी एक प्रैशर ये पा रहे हैं भी साढ़े उरे ट्रैफिक की समस्या है जी, तो सानू एलीवेटेड दो। जे इन्हां ने बाईपास कढ़ता, इन्हां को एक बहुत वड्डा जबरदस्त बहाना यह हो जाना कि ट्रैफिक तो हुण बार बार दी निकल गई, खन्ने च तो हुण कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो हुण लोकल ट्रैफिक रह गई, इस करके कोई जरूरत नहीं है उरे एलीवेटेड पुल बनाने का। जुमलेबाजी है, कुछ नहीं है, और कोई लोकल मुद्दे ते गल नहीं करके गए, वह कोई सिर पैर की गल नहीं की। सारिया गल्ला मैं इन्ने किलोमीटर उत्थे सड़क बनाती, मैं इन्ने किलोमीटर उत्थे सड़क बनाती, मैं उत्थे बनाती, एक मतलब 4 घंटे च उत्थे पहुँचा देंगे, 3 घंटे च उत्थे पहुँचा देंगे। बई सेंटर दे तुसी मिनिस्टर हो, रोड एंड ट्रांसपोर्ट दे तुसी मिनिस्टर हो, ये सुप्रीम पावर होंदी है इस महकमे दे मिनिस्टर कोल, ते जे उहने अपने मतलब कि कहण दा भाव काम गणाई जाने ने, उह तां फर्जे बनदा है कम, ये कोई किसे ते आसान थोड़ो कीता। जे ये कुछ कीता अरबा रुपया करोड़ा रुपया टैक्स डेली करैक्ट हुंदा है, ते वो तुसी लोकां च डिलीवर करना, लोकां च देना तुसी ये पैसा, ते जे लोकां दी मतलब कि सहूलियत लई तुसी ये चीज़ां कीतियां है, ते फर्जे बनता थोड़ा। मजबूत स्थिर कैंडीडेट बारे की चाहोगे बीजेपी दा? जिहड़ा देखो जी गल ये है, गुरप्रीत सिंह जी जिहड़े पट्टी साहब ने, वह मैं उन्होंने निजी तौर पर भी जानदा, परंतु उन्हां दी जिहड़ी इनस्टेबिलिटी है भी बार बार पार्टी नूं चेंज करना, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭੱਟੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੜਨਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਆਏ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, मतलब बेदाग शख्सियत ने, क्योंकि कदे जिंदगी से दुश्मन नू भी कदे ये नहीं कहना चाहिए भी उहदे च नकोचां कढ़नियां चाहीदियां, पर हाँ जिहड़ी उहनां दी पोलीटिकल इनस्टेबिलिटी है वह बड़ी माड़ी गल आ उहनां लई। असी तां उहनां नू मतलब कि जदों असी आम आदमी पार्टी च उहनां दे नाल इकट्ठे काम करदे सी, साडे असी इलैक्शन जदों उहनां ने लड़िया सी, मैं उहनां नू बहुत ज़्यादा नेड़ियों देखिया। असी उदों भी कहिंदे सी तुसीं इह पार्टी बाजियां तों मतलब एक पार्टी च आके टिकिया करो, स्टेबल रहो। हुण असी हैं, मैं 2012 ਦਾ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਸ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਰੋਂ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਤ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਡਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਬਖਸ਼ੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਅੱਡ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ, ਟਰੱਸਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? मैं ये अपील करता लोगों को कि इस बार बदल करो,
जो असी एक साड़ी एक स्टेट दे विच पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है दिल्ली दे विच और उत्थे तुसी ये देखो भी असी जो वादे किए ने असी डिलीवर किए कि नहीं असी दिल्ली के लोगों नाल जे श्री अरविंद केजरीवाल जी ने 100 वादे किए ने तो 110 वादे पूरे करके दिखाए ने ते उरे उरे जिहड़ी मर्जी सरकार दुनिया की पिछों चक के इतिहास चक लो जे 100 वादे किए ने तो 10 भी पूरे नहीं किए। सो बड़ा फर्क है जी, ये अरविंद केजरीवाल जी का एक ऐसा ब्रांड बन चुके, एक ऐसा नाम बन चुके है कि जे अरविंद केजरीवाल जी अज की डेट से मूहों कुछ भी कहते हैं ना कढ़ते हैं मूँह तो लोग एक गलते मतलब कि ट्रस्ट करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी के बोल ने तो 101% पूरे हो गए। कल 18 तरीक न सौन जी कल खन्ना दे विच के भगवंत मान जी की फेरी है चोन प्रचार नू लेके कित्थे ते किन्ने बजे दा टाइम? देखो कल श्री भगवंत मान जी खन्ने आ रहे ने सवेरे 7:30 तो 8 दे विच विच उन्होंने खन्ने आ जाना है। कल मतलब तरीक मैं दस दिना 18 फरवरी वाले दिन, 18 फरवरी वाले दिन उन्होंने सवेरे जिहड़ा पुराना रेस्ट हाउस हुंदा सी ना GTV मार्केट च जिहड़ा इन्होंने डिमोलिश करता जिथे वह कटती इन्होंने बिल्डिंग्स कटिया है उस जगह के उत्ते असी प्रोग्राम रखे है उत्थे आ रहे हैं भगवंत मान जी और मैं पूरे समूह अपने खन्ना हल्के दे जिन्ने भी वासी आ उन्होंने हाथ जोड़ के निम्रता सहित एक अपील भी करता बेनती भी करता और सद्दा पत्र दिना कि तुसी वध तो वध गिणती दे विच उत्थे पहुँच के मान साहब के जिहड़े कीमती विचार ने वो जरूर सुनो।